सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज नेहा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वन ब्रांड हॉल। इसमें मैंने तीन चीजें परचेज की है अरोमा मैजिक की। ये तीनों चीजें मैंने पर्पल से परचेज की है तो ये काफी अच्छे डिस्काउंट में मुझे मिल गया है। जो भी लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। काफी अच्छा प्रोडक्ट है, आपको जरूर परचेज करना चाहिए। काफी अच्छा डिस्काउंट भी चलता है हमेशा वहाँ पे, तो आप चेक करना ना भूलिएगा। देख लीजिए कब आपको डिस्काउंट में बैठ रहा है, आप तब ले लीजिए। काफी अच्छा प्रोडक्ट है, लिंक सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड टू माय वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने चीज परचेज की है वो है ये टोनर, अरोमा मैजिक का ये मोरिंगा टोनर। अब मोरिंगा स्किन टोनर क्या होता है? मोरिंगा एक सीड होता है, सीड से ये मोरिंगा पाउडर होता है। मोरिंगा पाउडर के काफी बेनिफिट्स होते हैं स्किन और मेडिकल प्रॉपर्टीज के लिए। काफी अच्छा मोरिंगा पाउडर होता है, कई सालों से लोग मेडिकल प्रॉपर्टीज के होने के कारण से इसे मेडिसिन में यूज करते आ रहे हैं। ये काफी अच्छा क्लीन करता है आपकी स्किन को, ग्लो बन देता है आपको, अंदर से एक नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एंड अगेन अगर आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये बेस्ट है, उसके लिए आपको ये यूज करना ही चाहिए। तो ये ऐसे पंप वाले बॉटल में आता है तो इजी हो जाता है अप्लाई करना। इस तरह से ये पंप कर सकते हैं आप, काफी अच्छा इजी हो जाता है आपको अप्लाई करने के लिए टोनर। टोनर कैसे कब यूज करना है उसका पूरा एक वीडियो बनाया है, अगर वो अभी तक आपने चेक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप उसे चेकआउट कर लीजिए। टोनर आपको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया है, इन डेप्थ वीडियो बनाया है। सो ये 125 रुपीज का था, अगेन मुझे ये डिस्काउंट में मिल गया, काफी अच्छा डिस्काउंट में मिला है तो आप ये परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने जो परचेज किया है वो है कैस्टर ऑयल। सो अरोमा मैजिक का ये कैस्टर ऑयल है, ये अगेन एक कैस्टर करके एक प्लांट रहता है, उसका उसके स्टेम से उसके उससे बनता है ये ऑयल। बेसिकली कैस्टर ऑयल अगर आप डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे लगाते हैं तो ड्राइनेस जाती है, आपको अंदर से मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। अगेन आपकी अगर डैंड्रफ का प्रॉब्लम है उसे कम करने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है कैस्टर ऑयल। ये भी कई सालों से लोग यूज कर रहे हैं। कैस्टर ऑयल ऐसे बहुत हैवी रहता है, थिक रहता है ऑयल ये, तो नॉर्मली इसे मिक्स करके यूज करना चाहिए, ये आपको रेगुलर यूज करना चाहिए। पेल येलो कलर का इसका कलर रहता है, तो नॉर्मली कैस्टर ऑयल का कोई कलर नहीं रहता, हल्का पेल येलो कलर इसका रहता है। नेक्स्ट मैंने जो परचेज किया है वो है बॉडी लोशन। ये बेसिकली हनी एंड शिया बटर बॉडी लोशन है और ये मेरा अब तक का फेवरेट बॉडी लोशन है, बहुत ही अच्छा बॉडी लोशन है। आप देख सकते हैं मैंने काफी सारा यूज भी कर लिया, बहुत अच्छा बॉडी लोशन है। जो फ्रेग्रेंस है वाव, इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा है और ऐसे क्लींजिंग मिल्क जैसी कंसिस्टेंसी है, बहुत अच्छा हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है आपको, अपनी स्किन को बार बार टच करने का मन करता है इसे अप्लाई करने के बाद। जो भी रिव्यूज है मेरे ऑनेस्ट मेरे पर्सनल रिव्यू है, अच्छा लगता है, जो मुझे बहुत पसंद आया है मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन को बहुत स्मूथ बना देता है एंड फ्रेग्रेंस बहुत ऑसम है। प्रॉपर इसका जो शिया बटर का फ्रेग्रेंस है वो आपको प्रॉपर उसका फ्रेग्रेंस समझ में आएगा जब आप इसे यूज करोगे। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आपको ये यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा बॉडी लोशन मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने बहुत सारे बॉडी लोशन यूज किए, ये स्मूथ भी देता है, मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है, फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा है, तो ऑल इन वन ये सब प्रॉपर जो होना चाहिए बॉडी लोशन में, ये इसमें सब कुछ है। तो मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है, वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट है ये। सो दैट वॉज इट फॉर द डे, आई होप यू लाइक माई वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आपको पता ही क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट
जरूर करना है। सो टिल देन टेक केयर, बाय।